जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। ये अपडेट आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। तो साथियों, अगर आपको रीचेकिंग के बारे में जानना है, अगर आप फेल हो चुके हैं, सप्लीमेंट या ये प्रैक्टिकल में फेल है, आपके रिजल्ट में XX लिखा आया है या SYC लिखा आया है या SYCT या SYCTP लिखा है, इस तरीके से कुछ भी आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पास हो जाएं, आपको एक मौका मिले। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये चैनल आपके लिए राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की जानकारियां देने के लिए बनाया गया है। तो साथियों, आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, आप सभी साथियों का राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और कक्षा 10वीं में और कक्षा 12वीं में लगभग आधे बच्चे फेल हो चुके हैं, या सप्लीमेंट आई है या कम नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में रह गए हैं, या किसी भी तरीके से 50% विद्यार्थी रह चुके हैं। तो साथियों, आपके लिए एक जानकारी बता देता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी या आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि ओपन बोर्ड के द्वारा आपके साथ गलत किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, या आपके नंबर आने थे परंतु नंबर नहीं आए हैं या नहीं दिए हैं, या कुछ गलती हुई है, या आपके स्कूल से भेजे नहीं गए हैं, तो आप सभी साथी रीचेकिंग का फॉर्म ज़रूर भरिए। और रीचेकिंग का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बिना पेपर के ही पास कर दिया जाएगा। साथियों, वो कौन सी कंडीशन है आप समझ लीजिए। साथियों, अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है और आपके नंबर आपकी कॉपी में बढ़ जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो अपना रीचेकिंग का फॉर्म ज़रूर भरिए, और अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आप फेल ही रहेंगे, आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरें और ज़रूर पास हो जाएं। अपनी तैयारी पहले से ज़्यादा इस बार अच्छी तरीके से ज़रूर कीजिए। साथियों, इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।